मुझे कूदना था। मैं जवान था, किरती राजा के योद्धा के रूप में मैंने सिर्फ अभी अपना नाम कमाया था, कालीनाग। मुझे राजा के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, लेकिन मुझे थोड़े अलग ही काम के लिए चुना गया। मुझे भेजा था धरती के स्वर्ग शैंग्रीला को ढूंढने के लिए। आपका टांका असंभव को कैसे दिखा सकता है? इस स्वर्ग का गवाह बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसमें रहना। यहां तक मेरा रास्ता लंबा और कठिन रहा। मैंने बहुत कुछ देखा, किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा किसी और के साथ कभी ना हो। लेकिन मैं मूर्ख था जो सोचता था कि स्वर्ग दुखों से मुक्त होता है। शेर ने बहुत खून खराबा देखा था, वो एक दूसरी दुनिया से था, एक रक्षक। एक भीम के जानवर के दांतों से अटका। भयंकर लड़ाई हुई थी, शेर अपने घर की रक्षा कर रहा था, लेकिन किससे? शैतानों ने शैंग्रीला पर आक्रमण किया, इस धरती की नहीं, साफ मन के नहीं। कोई खुद या कोई चीज अपने लिए शैंग्रीला को चुराना चाहती थी। शेर मौत के मुंह से लौट आया, मेरी जिंदगी बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक सहयोगी पाने के लिए। मैं प्रार्थना के पहियों के साथ बड़ा हुआ हूं, लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हों। वो इतने बड़े थे।
दुश्मनों से बचाने का प्रयास कर रहा था और अपनी रक्षा के लिए मेरा मार्गदर्शन कर रहा था। Yeah.
आक्रमण सुनाया करते थे। उनकी दवानियां धरती से बुराइयों को दूर करती थी। वो मुझे चेतावनी देते थे, तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानोगे तो घंटियों की दवानियां तुम्हें ढूंढ लेंगी। मैं उनसे बहुत डर जाता था। इस भय का शिकार मैं अकेला ही नहीं था।